Hello students, today we are going to start the next part of your height and distance chapter. That yesterday we see up to questions of type 6. Today we are going to start from type 7. अब देखो type 7 का जो question है वो थोड़ा सा lengthy question है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका solution lengthy होगा, लेकिन इस question को पूरा आपको पढ़ना है. इसके अंदर आपके साथ हाइट, आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड का रिलेशन भी यूज हुआ है. स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन भी आपके पास यूज हुआ है. तो देखो एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होंगे. ओके, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विच गोज टुवर्ड्स ए टावर. मीन्स देखो यहां से अपने को जो समझ में आई, एक बार अपन बनाएंगे, अगर गलत होगा तो वापस बना लेंगे. यहां से जितनी चीज अपने को समझ में आई वो ये बता रहे हैं कि एक कार एक टावर की तरफ जा रही है. मीन्स ये कोई कार है और ये इधर जा रही है. सपोज ये कोई टावर है, ठीक है, ये कार है, ये इधर जा रही है. यहां तक समझ में आ गया. मैंने कहा ए बी टावर हो गया, बी टावर का क्या हो गया आपका बेस. एक कार टावर की तरफ जा रही है. अब देखो आगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर. टावर से 500 मीटर डिस्टेंस है. मैंने कहा ये कोई ए पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस थी वो मैंने कितनी मान ली, 500 मीटर. मीन्स ए की बात कर रहा है. 500 मीटर डिस्टेंस पे ये ए पॉइंट तो ऑलरेडी ले लिया अपन ने, सी कोई पॉइंट है. जो बी से कितना है 500 मीटर, मीन्स टावर से कितना हो गया 500 मीटर. ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री. मीन्स यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री. यहां तक क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं है. अब देखो आगे, आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकेंड, मीन्स 10 सेकेंड के लिए कार और चलिए, कार चलेगी किधर, इधर जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 सेकेंड बाद ये कार यहां आ गई डी पॉइंट. कहां आई, डी पॉइंट पे. After driving the car for 10 seconds towards the tower, he observed the angle of elevation of top of tower becomes 60 degree. अब उसने क्या observe किया कि ये जो है ये angle कितना हो गया आपका 60 degree. अब देखो आगे, find the speed of car. क्या निकालना आपको, speed. Speed means speed of car. अब देखो मैंने कहा इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की ये इसने एक्स की है. ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो कितना किया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस एक्स हो गया क्या, एम आई राइट. ये अगर एक्स हुई है तो ये कितनी होगी 500 माइनस एक्स होगी. मैंने कहा टावर की हाइट जो थी वो मैंने मान ली एच. अब देखो यहां पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, वो लिखना क्या है, सबसे पहले टाइम टेकन बाय अ कार टू रीच पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड. क्या लिखा आपने, टाइम टेकन लिख दिया. सी से डी पर आने पे जो टाइम टेकन था कार का वो कितना हो गया 10 सेकेंड. अब देखो आगे, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी दैट इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट, एक्स मीटर. यहां पे आपको यूनिट दे रखी है मीटर. ओके, यहां से देखो इन ट्राइंगल, पहले अपन ये वाला ट्राइंगल ले लें. इन ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे सारे ए बी डी. ए बी डी में देखो ये चीज अननोन है, दैट इज एच अपॉन एच से पहले आप ये लिखो अननोन वेरिएबल, दैट इज ए बी अपॉन डी बी.
आपने लिखा ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। ए बी कितना हो गया आपका एच अपॉन डी बी कितना है 500 माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक? इक्वल्स टू 1060, 1060 कितना हो गया आपका अंडर रूट 3। ठीक है यहां तक? अब देखो h का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो h क्या होगा, h इक्वल्स टू 500 माइनस x इनटू रूट 3। ये क्या होगी हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट देखो h कितना आ गया 500 माइनस x रूट 3। अब अपन ये कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं, इस कंप्लीट ट्राइंगल में ये कितना है 500। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल की अगर अपन बात करते हैं तो देखो ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 थीटा एंड हियर थीटा इज 30 डिग्री। ये कितना हो गया 10 30। एच अपॉन बी सी कितना हो गया 500 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। यहां से एच का वैल्यू क्या आया, एच इक्वल टू 500 अपॉन रूट 3। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड, और ये जो एच आया था ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। अब देखो इसको इधर भेज दिया मैंने, एच की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे ही मैंने कंपेयर किया, यहां से देखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा, यहां से देखो 500 माइनस एक्स इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 500 अपॉन रूट 3। आ रहा है क्या? ये देखो इसको मैं और इरेज कर देता हूं अभी, आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन कर लें। ओके अब देखो इस 3 को इधर ले आऊं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो देखो 500 माइनस एक्स इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 500 होगा। इस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, तो देखो 3 इंटू 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 500 हो गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 1500 माइनस 3x इज इक्वल टू हाउ मच 500। इसको उधर भेज दो, उसको इधर ले आओ, देखो 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू हाउ मच 3x। यहां से x का वैल्यू कितना आया 1000 अपॉन 3 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया 1000 अपॉन 3 मीटर। ये आपका x का वैल्यू है, मींस उस कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो कितने की है 1000 अपॉन 3 मीटर। अब देखो एक बार यहां पे मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इज इक्वल टू 1000 इन 10 सेकेंड, इन टाइम भी लिख दो, इन 10 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3 मीटर। अब आपको इसमें निकालना क्या है क्वेश्चन, तो देखो लास्ट में तो आपको स्पीड निकालनी थी। अब देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड आपकी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितनी थी 1000 अपॉन 3 एंड टाइम इज हाउ मच 10, तो देखो ये कितना हुआ 1000 अपॉन 3 इंटू 10, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो स्पीड क्या आई आपकी कार की 100 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर स्पीड ऑफ योर कार।
देखो यहां से आपने हाइट एंड डिस्टेंस यूज की, कैसे? आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम दे दिया उसने, टाइम गिवन था आपको। अब यहां से अगर ये डिस्टेंस आ जाती तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता हाइट एंड डिस्टेंस से आप डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। आपको और एंगल वगैरह दे दिए, इट मींस यहां पे आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज है वो यही है टू कैलकुलेट द हाई डिस्टेंस। जैसे ही आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई आप इजीली स्पीड निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम आपको गिवन है। तो टाइम अगर गिवन है, डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपको निकालनी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो गया, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन इसका। नेक्स्ट टाइप में अपन देखेंगे, थोड़े से दो टाइप और बचे हैं इस चैप्टर के। जैसे ही दो टाइप खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यस, अब देखिए टाइप एट, टाइप एट में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। टाइप एट में एक क्वेश्चन आपके सामने है, पर इसको बहुत ही ध्यान से और स्लो स्लो पढ़ेंगे। देखो जितना स्लो, जितना ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी ही जल्दी डायग्राम बन गया। जैसे ही आपका डायग्राम बन गया आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया, चेक कर लेना आप। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट पे, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। मीन्स यहां पे कोई रोड है, मैंने कहा यहां कोई रोड है, ठीक है, ये एक पोल खड़ा है यहां पे और यहां पे दूसरा पोल खड़ा है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। मैंने कहा अगर ये एच है तो ये भी कितना हो गया एच। अगर आगे इसकी हाइट गिवन होगी तो अपन लिख देंगे साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड दे रखी है आपको, अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू हो गया, मींस इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 80 मीटर। अब देखो आगे, यहां से आगे पढ़ते हैं अपन। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, मींस इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन देम का मींस ये नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में है, इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। मैंने कहा ये पॉइंट हो गया और ये मेरा पॉइंट हुआ आर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मींस एक तो कितना है 30 है और एक कितना है 60। ये मैंने कहा 30 डिग्री और ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, ये निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। मैंने कहा अगर मैं इसको एक्स मीटर मानता हूं, एक्स मीटर, तो ये मेरा कितना होगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपका बन गया एक बार, मींस 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको 20% करना है, वो आपको लिखने की मेहनत करनी है। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल हैं, मींस दो रिलेशन बनेंगे और दोनों रिलेशन से आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। अब देखो यहां से पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल था, ए क्यू आर। ए क्यू आर ट्राइंगल में मैंने कहा ए क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 10-30 लिख दूं क्या मैं, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका 10 थीटा। आपने क्या लिख दिया 10 थीटा। अब देखो AQ की वैल्यू H अपॉन RQ की वैल्यू देखो 80 माइनस X होगी क्या, ध्यान से देखो 80 माइनस X होगी इक्वल्स टू 10-30। 10-30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। यहां से मैं एच का अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। और क्या मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बता दूं,
यस और नो? यस। अब देखो आगे, ये मेरा एक ट्राइंगल का काम हो गया। सेकंड देखते हैं, इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल पे चलेंगे अपन। अब देखो दूसरा ट्राइंगल क्या है, बी पी आर। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? बी पी आर की। बी पी आर में देखो अब क्या करना है आपको, बी पी आर के अंदर भी सेम, बी पी अपॉन, बी पी अपॉन क्या होगा, पी आर। बीपी अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा, हेयर थीटा इज 60 डिग्री। अब देखो आगे, बीपी का वैल्यू एच अपॉन पी आर का वैल्यू एक्स, और इसका वैल्यू √3। क्लियर है यहां तक? अब देखो अगेन, एच का वैल्यू निकाला, दैट इज एक्स √3। ये आपकी इक्वेशन क्या आई, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड आ गई। आपने क्या कहा, कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर किया, यहां पे एच की वैल्यू ये है, यहां पर एच की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वल रख दो। देखो 80 - x / √3, फर्स्ट इक्वेशन में एच की वैल्यू थी, सेकेंड में पुट कर दी, ये क्या हो गया, एक्स √3 हो गया। √3 को मैं उधर लेके गया, 80 - x दैट इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स √3 हो गया क्या, देखो एक बार हो गया। तो देखो 80 - x इज इक्वल टू 3x। इस x को मैं उधर ले जाऊं, यहां से देखो अगेन मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो x उधर गया तो क्या हो गया, 4x equals to how much, 80, और x कितना आ गया मेरा 20, 80 upon 4 कितना आएगा 20, ये x आया है। put value of x in equation second, equation second के अंदर जैसे ही मैं x की value put करूंगा तो मेरे पास h आएगा 20 √3, am I right, 20 √3x आ गया। ये x अगर 20 आया है तो ये कितना आएगा 60। आंसर क्या लिखोगे आप, देखो आंसर में क्या लिखोगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3, एम आई राइट, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पोल्स आर। देखो यहां पे आप पोल को कोई नाम नहीं दे रखा आपको, तो आप डायरेक्ट लिख दो क्या क्या है, 20 and 60। मीटर, 20 meter and 60 meter, हियर इट इज ऑल्सो है मीटर। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है? देखो पहले आपने डायग्राम बनाया, अगर आपका डायग्राम बन गया, अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका 80% वर्क कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग 20% वर्क है, वो आपको केवल और केवल लिखना है यहां पे। रिमेनिंग 20% वर्क तो आपको लिखना है केवल, जैसे आपने लिखा आपका काम हो गया। अब देखो आगे, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर केवल एक टाइप और करेंगे अपन, उसके बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। देखो आपको जब भी टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर चल रहा है, तो आपको आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप ट्राई करें उन क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो आप उनकी ट्राई करें। फिर देखो डायग्राम बनाने की ट्राई करो, फिर अपन जैसे ही क्वेश्चन आंसर यहां करेंगे, जैसे ही अपन क्वेश्चन आंसर यहां करेंगे, तो आप देखोगे कि आपने कहां मिस्टेक की है, वो मिस्टेक आप इंप्रूव कर लोगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिस्टेक्स मेजरली फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखो टाइप 9, टाइप 9 का अपन क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जो आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है, और ये मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट को सबसे टिपिकल लगता है, लेंथी एग्जांपल है। देखो एग्जांपल क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एच मीटर अबव द सरफेस ऑफ वॉटर इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वॉटर इज बीटा. यहां तक ठीक है. देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वॉटर इज एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. ओके, ये चीज आपको प्रूव करनी है कि अगर मगर जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंथी होगा, ध्यान से समझे आप इसको. क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा. देखो अपन बहुत धीरे डायग्राम बनाएंगे. पहला काम है आपका डायग्राम अच्छे से बनाना. डायग्राम पहले अपन यहां बनाएंगे, उसके बाद जैसे ही समझ में आ गया उसको यहां बना देंगे. देखो मैंने कहा ये मेरा वॉटर है, ठीक है. ये वॉटर का अपर सरफेस है. मैं सरफेस ऑफ वॉटर की जहां भी बात कर रहा है वो बता रहा है कि ये सरफेस ऑफ वाटर है. यहां से एच मीटर हाइट पे एक पॉइंट है. मैंने कहा ये मेरा एच मीटर हाइट हो गया, एम आई राइट. और यहां पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट हो गया मेरा ए. यहां से क्लाउड में एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मींस यहां से यहां पे कोई खड़ा है और वो क्लाउड को देख रहा है, बादल देख रहा है. मत में देखने दो उसको, आंखें बंद कर दो. देखो बादल देख रहा है, ये है रहा आपका क्लाउड, वो इसको देख रहा है. तो वो ऐसे देखेगा ऊंची गर्दन करके, या ऐसे होगा कि नीची गर्दन करके देखेगा. ऊंची गर्दन करके देखेगा, मींस यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. अब अगर इसकी आंखें यहां हैं, तो इसका बेस तो यही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला बेस तो यही होगा ना, यस और नो. अगर ये यहां से ऊपर देख रहा है, मींस ये बता रहे हैं कि सरफेस से एच मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, यहां पे वो पॉइंट हो गया. यहां से ये ऊपर नजर करके देख रहा है, तो मींस यहां से वो एंगल बनेगा, वो क्या होगा आपका अल्फा, ठीक है. अब अगर देखो ये हाइट एच है, तो ये देखो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये हाइट भी क्या होगी मेरी, एच ही होगी, यस और नो, एच होगी. मैंने कहा ये मेरी हाइट जो रिमेनिंग बची वो मैंने क्या मान ली, वाई. और ये मेरा क्या हो गया डिस्टेंस एक्स, ए बी सी डी यहां तक हो गया. देखो क्या किया, ए पॉइंट से उसने क्या बनाया, ए पॉइंट से उसने बादल को देखा, तो उसके देखने से क्या बना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने एक्स बना लिया, अल्फा बना लिया. अल्फा यहां कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया. अब ये बता रहा है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बन रहा है वॉटर में. तो देखो जब भी यहां पानी रहता है, अगर ये इतनी लेंथ है तो अपन अगर झुक के देखते हैं तो पानी में इतनी लेंथ ऐसे दिखती है. अगर ये पानी का लेयर है, यहां पे आपने कुछ ऐसे लकड़ी खड़ी की है, आप जैसे ही उस लकड़ी को पानी में देखोगे वो उतनी हाइट में नीचे दिखेगी, डेप्थ में दिखेगी. तो देखो ये सरफेस है, जहां से सरफेस होता है वहीं से दिखाई देता है. तो यहां से ये टोटल इतनी जो है ये बादल पानी में दिखाई देगा, मीन्स ये जो बादल है ये पानी में कहां दिखाई देगा, यहां पे,
ये पॉइंट हो गया E, E पॉइंट पे दिखाई दिया। अब यहां से OE डिस्टेंस कितनी होगी, Y प्लस H होगी क्या, देखो एक बार देखें, टोटल कितनी है सरफेस से, H प्लस Y, तो अंदर भी कितनी हो जाएगी, Y प्लस H। और ये पॉइंट जो है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर, मींस यहां से जो रिफ्लेक्शन बना रहा है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मींस यहां पे ये खड़ा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस उसने पहले तो बादल को देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, अब वो क्या कर रहा है, बादल की जो छाया है उसको किस में देख रहा है, पानी में, पानी में देखेगा तो गर्दन झुकानी पड़ेगी, या ऐसे है पानी ऊपर है ऐसे देख रहा है, ऐसे तो नहीं है, गर्दन झुकाई, अपन ने कल पढ़ा था जैसे ही गर्दन झुकी कौन सा एंगल बनता है, डिप्रेशन। तो ये क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो, कंप्लीट डायग्राम हुआ, पहले एच मीटर हाइट पे एक पॉइंट था, यहां से बादल को जब देखोगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेकिन अगर आप उसकी छाया पानी में देखते हो तो मींस इसका रिफ्लेक्शन देखते हो पानी में, तब क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो आपने अगर गौर किया है तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, एक तो ये और एक ये, आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि ये हाइट जो है मींस वाई प्लस एच वाली वो कितनी है, ये मींस आपके पास एच तो है ही, आपको वाई का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल सी बी ए या फिर आप एबीसी भी लिख सकते हो, ट्राइंगल सी बी ए में देखिए बी सी अपॉन ए बी क्या होगा, टेन अल्फा, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑलवेज क्या होता है, टेन थीटा। देखो एक चीज, यहां से अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं मेरे को तो वाई का वैल्यू निकालना है, तो देखो ए बी कितना है, सॉरी बी सी, वाई अपॉन ए बी कितना हो गया, एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ये टेन अल्फा, क्लियर है यहां तक, मैं एक्स को इधर भेज दूं टेन अल्फा को इधर भेज दूं तो देखो वाई अपॉन टेन अल्फा इक्वल्स टू एक्स आ गया, क्या मुझे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये मेरी इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो अपन आगे देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला, तो इसमें 90 डिग्री ये है, ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं टेन बीटा लेता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर की टोटल हाइट क्या आएगी, सबसे पहले देखो मैं ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी ई, देखो ट्राइंगल ये बन रहा है, ये कंप्लीट बन रहा है ट्राइंगल, तो देखो मैंने कहा बीई अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू टेन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, टेन बीटा। अब देखो बीई की लेंथ कितनी आएगी, ये एच है ये वाई प्लस एच, तो बीई कितना हो गया टोटल, टू एच प्लस वाई हो गया, क्या ये 2h प्लस वाई हो गया, अपॉन ए बी, देखो ए बी कितना है, x, ए बी एक्स हो गया इक्वल्स टू टेन बीटा। अगेन क्या करना है, x का वैल्यू, तो मैंने यहां लिखा x इक्वल्स टू 2h प्लस वाई अपॉन टेन बीटा, ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। यहां तक क्लियर है सभी को, अब देखो मुझे h का वैल्यू निकालना है, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां से देखो जैसे ही मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, देखो जैसे अपन कंपेयर करेंगे यहां से आपके पास क्या निकल के आ रहा है, देखो 2h प्लस वाई अपॉन टेन बीटा इक्वल्स टू y अपॉन टेन अल्फा, यही निकल के आएगा, सेकेंड इक्वेशन के इक्वल फर्स्ट इक्वेशन रख दी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको y की वैल्यू निकालनी है, देखो 2h प्लस y इंटू टेन अल्फा इक्वल्स टू y टेन बीटा, सही है यहां तक। अब देखो टेन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया, टू एच टेन अल्फा
प्लस वाई टेन अल्फा इक्वल्स टू वाई टेन बीटा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे, y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले टर्म्स को मैं एक साइड ले जाऊं, तो देखो यहां से 2h tan alpha इक्वल्स टू y tan beta माइनस y tan alpha, यहां तक सही है। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, यहां से ये हो गया 2h tan alpha इक्वल्स टू y कॉमन लिया आपने, क्या आया tan beta माइनस tan alpha, am I right? tan beta माइनस tan alpha, यहां से y का वैल्यू क्या लिखा निकाल लिया आपने 2h tan alpha अपॉन tan beta माइनस tan alpha, ये किसका वैल्यू आ गया आपका y का वैल्यू आ गया। लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है y प्लस h का, आपको वैल्यू किसका निकालना है y प्लस h का निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हो y प्लस h, अगर आपने इधर ऐड कर दिया उधर भी आपको क्या करना पड़ेगा h को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 2h tan alpha अपॉन tan beta माइनस tan alpha प्लस h, ये क्या होगी हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, आप इसको लिख सकते हो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर होगी। अब देखो जो हाइट निकालनी है दैट इज y प्लस h दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन, तो यहां से आपने जैसे ही एलसीएम लिया देखो ये तो आएगा 2h tan alpha, यहां तक तो सही है, प्लस h tan beta माइनस tan alpha आएगा क्या अपॉन, पूरे अपॉन में क्या आ जाएगा tan beta माइनस tan alpha, क्लियर है यहां तक। अब देखो इस h को अंदर मल्टीप्लाई करो 2h tan alpha प्लस h tan beta माइनस h tan alpha अपॉन tan beta माइनस tan alpha, आपको प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो दे रहा है। अब देखो आपको भी अगर नहीं दे रहा हो तो देखो देखो प्रूव हो गया क्या, 2h tan alpha में से 1h tan alpha माइनस करेंगे कितना बचेगा h tan alpha प्लस रिमेनिंग कितना बच गया h tan beta, हियर इट इज h tan beta, h tan beta अपॉन tan beta माइनस tan alpha, तो यहां से जैसे ही मैंने h कॉमन लिया क्या आया tan beta प्लस tan alpha अपॉन tan beta माइनस tan alpha, ये क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, यही आपको प्रूव करना था। देखा सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही था जो आपको टिपिकल लगता है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो डायग्राम है वो रिवर्स बन रहा है, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इसकी आपको जो हाइट निकालनी होती है जो प्रूव करना है वो चीज समझना आप, सिंपल हो गया आप क्वेश्चन। ये आपके टोटल 9 टाइप्स हैं इस चैप्टर में, अब अपन देखेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि आप लोग कितने लोग उसका डायग्राम सही बना पाते हो। ओके एक मिनट का अपन टाइम देंगे, उसके बाद देखें कितने लोगों ने डायग्राम सही बनाया, आपको घर पे बैठ के बनाना है, देखते हैं कितने लोगों का डायग्राम सही रहता है। ओके रेडी हो सभी, अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स, बिकॉज क्वेश्चन बहुत छोटा सा है सिंपल सा है, उसका डायग्राम देखते हैं कितने लोग सही बना पाते हैं, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है केवल डायग्राम बनाना है, देखते हैं कितने लोग डायग्राम बना पाते हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं आप, इफ द लेंथ ऑफ अ इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स
एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3। देखो आपको क्या पूछा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3, आपको ये तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट ने एक साथ ही डायग्राम बना लिया होगा मेरे, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो शायद आंसर भी निकाल लिया है, माई राइट। देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, अभी देखो कितने लोग बना पाते हैं। यस हरी अब बन गया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई डायग्राम नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, जब भी शेडो की बात आती है, अपने पास एक क्वेश्चन था, ये अगर रोड है, यहां पे सन अगर अपनी लाइट बिखेर रहा है, अपनी लाइट यहां पे सन की लाइट आ रही है, तो यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसको आपने मान लिया थीटा। मैंने कहा ये एच है, ओके ये कितना हो गया मेरा एक्स, ये पॉइंट ए बी सी, ध्यान रखना है इसके अंदर जब भी डायग्राम बनाओ पूरा डायग्राम को ड्रॉ करना आपको, उसके बाद इसके नेम्स भी लिखने हैं आपको हर पॉइंट के, ठीक है, मीन्स इसको लेबल्ड भी करना है। अब देखो ए बी सी ये हो गया, आपके पास रेशियो दिया हुआ है एच और एक्स का, लेंथ ऑफ रोड और लेंथ ऑफ इट्स शेडो। एच यहां पे आप लिखोगे लेट ए बी या एच, एच बी द लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, एंड एक्स बी द शेडो ऑफ अ रोड, ठीक है, एंड थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ये चीजें आपको लिखनी है सॉल्यूशन में, ओके। नाउ देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होगा आपका टेन थीटा होगा, ए बी कितना दिया हुआ है एच अपॉन बी सी कितना है एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, एच अपॉन एक्स क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 1:3, मीन्स 1/√3 इज इक्वल्स टू हाउ मच टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा किस कंडीशन में 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री, और यहां से थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी 30 डिग्री, यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सरसाइज का, सॉरी फर्स्ट नहीं था ये क्वेश्चन नंबर था 9th क्वेश्चन, ओके। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के, देखो आपको पहले सोल्व करने हैं, अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपको इस सॉल्यूशन से मिलाना है, ये नहीं है आपके आपने डायरेक्ट यहीं से देखे और उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट हो गया। मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके डायग्राम बना के आपको बता दूंगा, आपको फिर उनको सोल्व करने हैं, ओके। और कुछ क्वेश्चन हैं जो सोल्व नहीं हो रहे हैं उनको मैं यहां पर आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शेडो ऑफ ए वर्टिकल वर्टिकल पिलर, क्वेश्चन फर्स्ट है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल ऑफ ए वर्टिकल पिलर, शेडो ऑफ ए वर्टिकल वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, इज सेम
द हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ, सेम टू सेम ही है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, आपको डायग्राम पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए बनाने हैं। अब देखो सॉल्यूशन, पहला वर्क डायग्राम बनाया 80% कंप्लीट। तो देखो डायग्राम क्या बनाओगे आप, एक टावर है या वर्टिकल पिलर है, उसकी कुछ शेडो आ रही है ड्यू टू सन, और आपको ये निकालना है थीटा। एम आई राइट? ये मेरा पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। तो आप यहां लिख सकते हो लेट हाइट ऑफ वर्टिकल पिलर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, लेंथ ऑफ ये कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी एक्स। ये अगर एक्स मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी एक्स मीटर। अब देखो अपने को थीटा निकालना है, तो ए बी अपॉन, पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ए बी कितना है एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल टू वन। टेन थीटा वन कब होता है, वेन थीटा बिकम्स 45 डिग्री, एंड यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। दैट्स ऑल हो गया। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, आपको सभी को सारे क्वेश्चन करके लाने हैं जितने आपसे हो सके। ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन की देख के फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट हो जाओ, ये लगभग क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस टुमारो द एक्सरसाइज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, कंप्लीट एक्सरसाइज अपन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे और आराम से करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, उसी क्वेश्चन को दो बार वी कैन एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।